इसराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध के दौरान हमास को तगड़ा झटका लगा है। इसराइली सेना ने हमास के शीर्ष कमांडरों में से एक साले अल अरूरी को लेबनान में मार गिराया है। इसराइली सेना ने दक्षिण बेरूत में आतंकियों के कार्यालयों को निशाना बनाया था। इस दौरान ड्रोन से भी हमले किए गए थे। इसी दौरान साले अल अरूरी की मौत हो गई। आपको बता दें, साले अल हमास की सैन्य शाखा के संस्थापक सदस्यों में से एक था, जो इसराइली सेना की हिट लिस्ट में शामिल था। साले अल ने वेस्ट बैंक में हमास का नेतृत्व भी किया था। अब तक मारे गए हमास के नेताओं में साले अल सबसे बड़ा नेता है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो सका है कि इस शीर्ष कमांडर की मौत ड्रोन हमले से हुई या फिर विस्फोट से इसका खात्मा हुआ है। आपको बता दें, साले अल अरूरी का जन्म 1967 में वेस्ट बैंक के रामलल्ला में हुआ था। वो हमास के राजनीतिक ब्यूरो के उप प्रमुख के साथ ही फिलिस्तीनी समूह की सशस्त्र शाखा कसम ब्रिगेड के संस्थापकों में से एक था। 15 सालों तक साले अल इसराइल की जेल में बंद रहे। फिलहाल वो लंबे समय से लेबनान में निर्वासन की जिंदगी बिता रहे थे। जंग के दौरान इजरायली सेना ने रामलल्ला के पास उनके घर को निशाना बनाकर तबाह कर दिया था। इसी के साथ आपको बता दें, साले अल अरूरी को 2015 में अमेरिकी सरकार ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। इसके साथ ही साले अल के बारे में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी देने वाले को $5 मिलियन का इनाम देने की घोषणा भी की थी। वो हमास के लिए फाइनेंसर होने और 1987 से उसे हथियार भेजने की सुविधा प्रदान कर रहा था, जिसकी वजह से वो अमेरिका के निशाने पर था। इसी के साथ आपको बता दें, 2010 से अल अरूरी हमास के पोलित ब्यूरो का सदस्य था, जो 2014 में प्रमुखता से उभरा। इसराइल और अमेरिका का मानना है कि साले अल हमास के आतंकियों का फाइनेंसर था, साथ ही आतंकियों को प्रशिक्षण भी देता था। गौरतलब है कि इसराइली लगातार हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है। उसने गाजा पट्टी के ज्यादातर हिस्से को हवाई हमलों से तबाह कर दिया है। इसराइल की इस कार्रवाई में अब तक करीब 22,000 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, साले अल अरूरी हमास की सैन्य शाखा के संस्थापक सदस्यों में से एक था, जो इसराइली सेना की हिट लिस्ट में शामिल था। साले अल ने वेस्ट बैंक में हमास का नेतृत्व भी किया था। अब तक मारे गए हमास के नेताओं में साले अल सबसे बड़ा नेता है। वो 15 सालों तक इसराइल की जेल में बंद रहा था। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।